घुमारवीं उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत ओहर के पथरली बाट के सपेड़ा गांव में पालतू गाय को सांप के डसने से मौत हो गई। जिस परिवार की ये गाय थी वह गरीब परिवार था तथा दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गाय के मालिक मदन लाल शर्मा ने पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज करवाया। मदन लाल की पत्नी सीता देवी ने बताया कि लगभग 5 बजे शाम जब गौशाला में गई तो अंदर से सांप निकलता देखा। 1 घंटे के बाद गाय के मुंह से झाग निकला शुरू हो गया था और गाय ने घास खाना बंद कर दिया था तथा करीबन रात 3 बजे गाय ने दम तोड़ दिया। सुबह इस बारे में पुलिस थाना घुमारवीं में फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा दी गई तथा इसकी सूचना पंचायत प्रधान कमला सिंधु व वार्ड सदस्य उषा कुमारी को भी दे दी गई। पंचायत प्रधान ने पशु चिकित्सा अधिकारी कसेहर को भी सूचना दी। थोड़ी देर बाद पुलिस की ओर से हेड कांस्टेबल मदन गोपाल व दिनेश चंद भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गाय के मालिक के बयान दर्ज किए। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा अधिकारी सोना कटोच व फार्मासिस्ट पुष्पेंद्र ने पुलिस पंचायत प्रधान बाढ़ सदस्य की देखरेख में गाय का पोस्टमार्टम भी किया गया। पुलिस चिकित्सा अधिकारी सोना कटोच ने सांप के डसने के कारण गाय की मौत की पुष्टि की है। पंचायत प्रधान व बाढ़ सदस्य उषा कुमारी ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि गरीब परिवार है तथा इनकी आर्थिक रूप से मदद जल्द से जल्द होनी चाहिए। गाय पाली थी और गाय पालने दूध बेचती थी और दूध बेचकर गुजारा करती थी और उसके बच्चे को पालन पोषण करती थी। जब मैं 5 बजे आई तो गाय खराब थी और तब देखा तो उसके मुंह से जूर चला हुआ है। फिर हमने पुलिस वाले को भी सूचना की, डॉक्टर को भी सूचना की, उससे डॉक्टर को भी सूचना की हमने। और पता लगा तो 3 बजे गाय ने अपने प्राण छोड़ दिए।